नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो कानपुर में निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जमकर मेहनत करके चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने का भरसक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 56 अनवरगंज में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी करण कुमार भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लगातार वो लोगों के बीच में जाकर उनसे मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को सोनकर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी के साथ वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना के साथ ब्रजेश सोनकर, सौरभ सोनकर, शक्ति और नीरज सोनकर भी मौजूद रहे। तो वहीं कानपुर में वार्ड 83 दलेलपुरवा में भाजपा पार्षद प्रत्याशी पद के लिए नजमा राशिद आरफी मैदान में उतरी हुई हैं। भाजपा पार्षद प्रत्याशी के पार्षद पति राशिद आरफी ने जनता से उनकी पत्नी के लिए समर्थन मांगा, साथ ही क्षेत्र में पूर्व में किए हुए विकास कार्यों की बात भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जनता ने हमें चुना तो हम अच्छे अस्पताल और बारात शाला भी बनवाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आपकी वो चुनाव की तैयारी में? देखिए, मुद्दे साफ हैं। कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा, वो विकास पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, साफ सफाई पर, सुरक्षा व्यवस्था पर ही लड़ा जाता है। और यही मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार 5 साल पार्षद रह चुका हूँ। तमाम सहूलियतें, तमाम सुविधाएं मैंने क्षेत्र में दी। सीवर लाइन डाली, वाटर लाइन डाली, पीने का पानी दिया, सड़कें, गलियां, रोड, संपूर्ण तरीके से वार्ड का विकास किया है। इसी के साथ इस बार हमारी तैयारी है, कुछ बड़े लक्ष्य हैं, बड़ी सोच है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है हीरामन का पुरवा, जो कि पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। वहाँ बच्चियाँ जाती नहीं, ना स्टाफ है नहीं, साफ सफाई है नहीं। तो मैं चाहता हूँ उसका संपूर्ण तरीके से, नए तरीके से उसका निर्माण कराऊं और इंटर की कॉलेज की जगह पे मैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने की मेरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ एक मैरिज हॉल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनवाने का मेरा प्रयास है और एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी जज्जर इमारत है बांस मंडी में, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसको भी 30 बेड का एक स्मार्ट हॉस्पिटल बना के, जो कि जच्चा बच्चा के लिए उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। पानी, गलियाँ, सड़कें बना दे, इसकी सुरक्षा व्यवस्था बना दे, विकास कर दे, फिर बड़े लक्ष्य अगर मौका मिलता है, जनता ने आशीर्वाद दोबारा दिया तो इन बड़े लक्ष्यों पर भी मेरी नज़र थी, पहले से थी, लेकिन समय कम था और काम ज़्यादा था। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, धीरे धीरे समय बीतता गया और हम आज चुनाव के दहलीज पे आगे खड़े हो गए। अगर जनता ने समर्थन दिया इन बीजेपी प्रत्याशी को, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के, तो वो जनता के लिए कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए, अगर जनता ने हमारे पर विश्वास जताया और अपना आशीर्वाद दुआओं से नवाजा, तो सबसे पहले हमारा एक लक्ष्य है कि हम जो हीरामन का पुरवा इंटर कॉलेज है उसको गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराने का प्रयास करेंगे। पहला लक्ष्य हमारा यही होगा। उसके बाद हम एक मैरिज हॉल, जो कि पुराना बरासला नगर निगम का यहाँ पर है, उस पर 1,62,00,000 रुपया सेंक्शन भी हो चुका है। पिछले कार्यकाल में हमने सदन में उसको पारित भी करा लिया है और आपके दुआओं रही और सब जनता का सहयोग रहा, तो उस लक्ष्य को भी हम छूने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और भी लोग आइए और भी लोग उनसे बात करते हैं, इनके साथ भी बता सकते हैं।
आपका नाम? क्या कहना है इस बारे में? बारे में ये ख्याल है कि जनता बहुत लाइक कर रही है, इनको बहुत पसंद करती है, वार्ड की जनता बहुत पसंद करती है, इसलिए काम इन्होंने विकास इतना करा दिया। मेरी उम्र के हिसाब से बोले 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 बूढ़े कहते ऐसा सभासद नहीं हुआ। अंग्रेजों के पीटीए का कूड़ा निकलवा दिया इन्होंने, महीनों दो दो तीन तीन महीने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रही, लोगों का जाम लगता रहा राशिद आदमी ने, लेकिन वो कूड़ा निकलवाया, ऐसी सफाई और इतना विकास कराया। विकास के नाम पर आज ये जितनी लोग बैठे हैं, विकास के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर बैठे हैं। देखने वाली बात लोगों की जनता इनको कितना समर्थन देता है, और भी लोग हैं यहाँ पे तो उनके साथ ही चाहिए, उनसे बात करते हैं, क्या कहना है इस बारे में? हमारे जुझारू नेता हैं ये, और इनने पिछले 5 साल में बहुत काम किया है, काफ़ी समय से ये काम को अंजाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जीतेंगे तो फिर ये काम। कानपुर में निकाय चुनाव का सुरूर खूब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर प्रत्याशियों के बीच जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वार्ड 89 MIM पार्षद प्रत्याशी नफीस अहमद बाबू ने जनता से जनसंपर्क करते हुए आशीर्वाद लिया है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता से समर्थन की मांग की, साथ ही अपने किए हुए वादों को पूरा करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान नफीस अहमद को सभी बूढ़े बुजुर्ग और युवाओं से भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। अगर जनता ने इनको समर्थन दिया तो इनका विशेष काम, इनका रूप से क्या रहेगा एक क्षेत्रवासियों के लिए? हमारे क्षेत्रवासियों के लिए विशेष काम हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले तो एक ऐसी जगह चिन्हित करी जाएगी जहां हमारे महल्ले के बच्चों को तालीम मिल सके, वो तालीम याफ्ता हो सके, पढ़ सके, लिख सके। कि हमारे यहां कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे महल्ले के बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई का सामान हो या कुछ हो, कुछ भी ऐसी जगह नहीं है। सबसे पहले वो किया जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के हमारे यहाँ कोई भी ऐसी महल्ले के अंदर कोई क्लिनिक नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मुफ्त इलाज गरीबों को हो सके, तो सबसे पहले महिला क्लिनिक भी बनाई जाएगी। किन मुद्दों पे जनता को लेकर नजर आ रहे हैं, जनता किन मुद्दों के लेकर चुनाव लड़ रहा है? मैं मुद्दे हमारे ये हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी है, आप जाकर देख सकते हैं गलियों के अंदर नालियां भजभजा रही हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इसको ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे वहाँ ये है कि हमारे यहाँ गरीब बस्ती है, यहाँ पे गरीब बस्ती है, और महल्ले के अंदर हमारे तमाम बच्चे ऐसे, कोई भी ऐसी जगह नहीं ना जहाँ बच्चों को तालीम मिल सके, बच्चे पढ़ सके, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। सबसे पहले मेरा काम यही होगा अगर जनता ने मुझे चुना, और इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले यही काम करूंगा, क्षेत्र की गंदगी और पानी, लाइट, बिजली, पढ़ाई लिखाई, इन्हीं सब चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा। वहीं वार्ड नंबर 101 चौक सराफा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी इमरान कुरैशी के जनसंपर्क में ग्लैमर का तड़का देखने को मिला। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में साल 2018 की मिस इंडिया रही रोशनी जायसवाल उतरती दिखी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस से गहरा नाता है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की है। इस दौरान उनके साथ अश्नि अवस्थी, आलोक मिश्रा और कनिष्ठ पांडे समेत कई लोग भी मौजूद रहे। नगर संग्राम के खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।